हाय गाइस, वेलकम बैक बीएमएस एकेडमी बागापार। चलो बच्चे, आज वीडियो के अंत तक बने रहना और चीजें समझ में आती हैं। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करने की बात कहेंगे ही नहीं, लेकिन अगर समझ में आती है, वीडियो हेल्पफुल होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर नहीं समझ में आती है तो मत शेयर करना, मत सब्सक्राइब करना। और आज हम लोग देखेंगे, इंग्लिश सभी लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में ए जो है, ए का 9 उच्चारण होता है। कितना उच्चारण होता है? 9 उच्चारण होता है, ठीक है। इतना उच्चारण सीखने के बाद इंग्लिश बिल्कुल हमको समझ में आ जाएगी ए के बारे में। फिर ई सीख लेना, आई सीख लेना, ओ सीख लेना, यू सीख लेना। फिर इंग्लिश रीडिंग करने में, इंग्लिश की किसी भी बुक को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले अच्छे से शांति से देखो इसको, कोई दिक्कत होती है सबसे पूछो, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए, ठीक है। अब ए को हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ए, फिर ए को पढ़ेंगे हम लोग ए, ओके, और फिर हम लोग ए को पढ़ेंगे आ, ठीक है। और भी इसके उच्चारण है, तो इस वीडियो में हम लोग केवल 3 उच्चारण देखेंगे और इसके आधार पर सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो ए का उच्चारण कब ए होता है, कब ए होता है और कब आ होता है, ध्यान से देखना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ओके, ठीक है। तो ए का उच्चारण देखने से पहले, ठीक है, इसको देखने से पहले हमें लगता है कि हमको ए वाला उच्चारण देखना चाहिए, ए वाला उच्चारण, ठीक है, ध्यान से समझना है। इसको देखने से पहले इसको ए समझ में आएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाए, ए समझ में आ गया तो बिल्कुल समझ में आया, उसके बाद ए भी हमको समझ में आ जाएगा। कुछ है नहीं इंग्लिश, कुछ है नहीं, बस समझने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ए, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं दो या, क्या देखेंगे, दो या दो से अधिक, दो से अधिक कॉन्सोनेंट, क्या बच्चों, कॉन्सोनेंट के बीच में, किस में, बीच में दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ जाए, ए आए, ए आए तो ए को, ए को आए पढ़ते हैं, ए को, ए को आए पढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए न पढ़ के ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट क्या हो गया, हमने लिखा यहाँ बी, बी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर लिख दिया सी, सी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, फिर डी लिखेंगे, डी भी क्या है, कॉन्सोनेंट, ई क्या है, ई जो है वावेल है। अब हम वावेल आपको बता देते हैं, कौन कौन से वावेल हैं, ए ई आई ओ यू, यही अपने वावेल्स हैं। और ई वावेल्स को छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं, रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब यहाँ बी है और बी के बाद हमने लिखा ए और उसके बाद लिख दिया टी, तो इसका उच्चारण होगा बैट, क्या होगा, बैट, क्योंकि क्या नियम है, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, बी ए टी, ठीक है। यहाँ हम लोग लिखते हैं सी ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे, कैट, अच्छा ए तो है दो
दो कॉन्सोनेंट, अब उससे अधिक लिखते हैं एस ए एन डी, एस ए एन डी। अब इसको भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए को देखिए एक दो तीन, वन टू थ्री, तीन कॉन्सोनेंट्स और उसके बीच में ए आया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेंड पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। एक और लिख लेते हैं बैंड, बी ए एन डी, इसे क्या पढ़ेंगे, बैंड पढ़ेंगे, ओके। तो हमने ये देखा कि दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समझ में आएगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को पढ़ लीजिए, वॉवेल्स पढ़ लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके जो नाइन नियम है ना, नाइन रूल्स है ना, इसको बारी बारी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ओके ठीक। तो इसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। अभी तो हमने ए पढ़ा, ये दूसरे नंबर का, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट नंबर, कहां फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए का उच्चारण, अब ध्यान दीजिएगा, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में क्या हो, अंत में ई आए, ध्यान दीजिएगा ई आए, और उसके पहले, उसके का मतलब इस, उसके का मतलब ई के पहले, ई के पहले यानी कि, और उसके यानी कि ई के पहले, कब पहले, क्या है पहले, कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले, उसके पहले, उसके का मतलब इस कॉन्सोनेंट के पहले ए हो, क्या हो ए हो, तो ए को ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ए को ए पढ़ते हैं परंतु आखिरी के आखिरी में ई का उच्चारण नहीं होता है, आखिरी में ई का उच्चारण नहीं होता है, ध्यान से समझना है, आखिरी में जो ई है उसका उच्चारण नहीं होता है। अच्छा, क्या हम लोगों ने पढ़ा, रूल नंबर टू था कि जब किसी सॉरी दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। अच्छा, ए नियम हम लोगों ने देखा, जैसे हम लोग लिखते हैं आर ए टी, रैट, इस ए को क्या पढ़ेंगे, रैट, ठीक है। अच्छा, एफ ए टी, इसे क्या पढ़ेंगे, फैट, क्या पढ़ेंगे, फैट। लेकिन अब दूसरा, पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी शब्द के अंत में ई हो और उसके पहले, ई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, और उसके पहले, किसके पहले, कॉन्सोनेंट के पहले ए हो, तो ए को ए पढ़ते हैं परंतु आखिरी में ई का कोई उच्चारण नहीं होता, यानी कि ई का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम लोग यहां लिखते हैं एस ए टी, क्या लिखते हैं, एस ए टी, तो हम लोग क्या पढ़े, सैट। उसी तरह हम लोग लिखेंगे सी ए टी, तो क्या पढ़ेंगे, कैट। लेकिन क्या देखना हम लोग को कि उसके आखिरी में ई हो, चलिए यहां हम लोग लिखते हैं एस ए एम ई, अब क्या इसके आखिरी में क्या आ गया, ई, ई का कोई उच्चारण नहीं होगा। अब बचा उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले कॉन्सोनेंट, किसके पहले, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के पहले ए, ए हो तो
ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, यानी कि इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे। अच्छा सी ए एम ई इसे क्या पढ़ेंगे, केम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केम पढ़ेंगे, इसके आखिरी को कुछ नहीं पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा एन ए एम ई समझ में आ रहा, नेम, नेम मीन्स नाम, इसे क्या पढ़ेंगे, नेम, यही तो नियम है, समझ में आया। तो क्या हम लोगों ने देखा कि जब दो या अच्छा ऐसे अगर वैसे अगर इसे मिटा दें तो इसे कैम पढ़ेंगे, और ऐसे कर दिया तो केम पढ़ेंगे, नैम पढ़ेंगे, ऐसे कर दिया तो नेम पढ़ेंगे। अच्छा एक शब्द यहाँ हम लोग लिखते हैं मैट, क्या लिखेंगे, मैट, ई लगा दिए तो मेट, सेट, ई लिख दिए तो सेट। उच्चारण को देखा जाए तो रैट, इसकी आखिरी में ई आ गया तो रेट, समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए, ओके। अब हम लोग देखते हैं ए आ, क्या देखते हैं, आ, ठीक है। तो आ अगर जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द के अंत में यस के या यस टी आए और उसके पहले ए हो, क्या हो, ए हो, तो ए का उच्चारण आ होता है, क्या होता है, आ होता है। ध्यान से वीडियो देखने की जरूरत है, इत्मीनान से देखिए, ज्यादा इधर उधर मत सोचिए, सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। तीन पार्ट में इसका वीडियो बनेगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। जब किसी शब्द के अंत में यस के हो या यस टी आए और उसके पहले ए हो, यस के और यस टी के पहले ए हो, तो ए का उच्चारण आ होता है। जैसे पहले हम लोग लिख देते हैं पहला ए यस के, यस के और ए का उच्चारण क्या होगा, आ होगा, तो हम लोग क्या पढ़े, आस्त, पी ए एस टी, एस टी, इसको क्या पढ़ेंगे, पास्ट, समझ में आ रहा है। बी एल ए एस टी, ए एस टी, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्लास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और डेली क्लास करने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।